फ्रेंड्स, आई एम मुश्तागर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर के नाउन नाउन चैप्टर का पर्सन टॉपिक। में नाउन में हमारा नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पर्सन, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जेंडर, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केस। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक बहुत छोटा है, इसमें हमें सिर्फ समझना होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट दे या किसी का नेम। मींस मैं, वी मींस हम, यू मींस तुम या आप, he means वह, she means वह, it means यह, they means वे, and name का meaning होता है नाम। I means मैं, you से बातें कर रही हूँ और you मेरी बातों को सुन रहा है। तो मैं बोल रही हूँ और you सुन रहा है। means जो बोलता है वो होता है first person और जो सुनता है वो होता है second person। पर्सन एंड सेकंड पर्सन मिलके किसी थर्ड की बात करते हैं तो ये होता है थर्ड पर्सन। मींस द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर किसी और के बारे में बात करता है तो कोई और कहलाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट दे नेम। मींस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर ही के बारे में बात कर सकते हैं, शी के बारे में बात कर सकते हैं, इट के बारे में बात कर सकते हैं, दे के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किसी का नेम बोलकर भी बात। ही यूज होता है किसी मैन या बॉय के लिए, शी यूज होता है किसी गर्ल या वुमेन के लिए, इट यूज होता है किसी थिंग, किसी कोई बेबी या किसी जानवर के लिए, दे यूज होता है लोगों के लिए, और जब प्लूरल लोग होते हैं तब दे यूज होता है, और नेम वर्ड में किसी का भी नेम हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, और जब हम लोग वी या हम लोग यू से बात करते हैं तो यू होता है सेकंड पर्सन और हम कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, और जब हम लोग किसी थर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन। आई और मैं सिंगुलर होता है, लेकिन नेचर में आई सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल होता है, और वी मींस हम हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए ये नेचर में भी प्लूरल होता है और यूज में भी प्लूरल होता है। यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए यू अनेक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जब यू एक होता है तब उसका जो नेचर होता है वो सिंगुलर होता है और उसका यूज प्लूरल होता है, और जब यू में अनेक व्यक्ति हो तो उनका नेचर प्लूरल होता है और उनका यूज भी प्लूरल होता है। He, she, it हमेशा सिंगुलर होते हैं, दे हमेशा प्लूरल होता है, और किसी का भी नेम हमेशा सिंगुलर होता है। इस तरह से हमारा इंग्लिश ग्रामर में नाउन टॉपिक का पर्सन टॉपिक यही एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जेंडर। और आपको मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।